हाउ आर यू? वॉइस इज कमिंग और नॉट? गुड इवनिंग टू ऑल. वॉइस इज कमिंग ना? ओके. नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री. और कल के लेक्चर में हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैंने टीच किया था. ठीक है, और मैं आपको बता दूं आवाज आ रही है सबको? यार गुड इवनिंग टू ऑल. ओके, तो चलो आज एक इवनिंग को डीपीपी जाएगा तुम्हें, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे और उसको आपको एक सेपरेट नोटबुक पे बनाना है. ठीक है, तो मैं ये डीपीपी पीडीएफ के थ्रू जाएगा. रिकॉर्डिंग स्टार्ट है. रिकॉर्डिंग चल रहा. चलो हम स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. कल बता दिया था किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे. अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं. तो बेसिक पॉइंट नंबर वन ये है कि हम कुछ एलिमेंट्स का नाम लिखवा रहे हैं जिसपे आपको चार्ज कितना होता है उसको आप जानना पड़ेगा. तो अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर वन का, ग्रुप नंबर वन में ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद. ग्रुप नंबर वन का वैलेंसी वन होता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और इनके ऊपर प्लस वन चार्ज होता है. आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इट कंप्लीट देयर डुप्लेट एंड ऑक्टेट, दैट्स व्हाई इट क्रिएट प्लस वन चार्ज. नाउ ग्रुप नंबर टू हैज वैलेंसी टू एंड इट विल लूज टू इलेक्ट्रॉन to complete their octet, and that's why it has plus 2 charge, because it lose 2 electron to complete their octet. That means group number 1 has 1 electron and group number 2 has 2 electron, because it will lose 2 electron to complete their octet. ओके, तो ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू आपको याद रखना है. अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 17, जिसका जिसका हमें ज्यादा यूज है उसका मैं लिखवा रहा हूं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन पे चार्ज जो होता है वो चार्ज माइनस वन होता है, बिकॉज इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. और मैं कुछ चार्ज लिखवा रहा हूं जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, जैसे सल्फेट आयन SO4, इस पे चार्ज होता है -2, इसको हम बोलेंगे सल्फेट आयन. सेकेंड वन है
CO3 माइनस टू कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। NO3 माइनस वन नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। PO4 माइनस थ्री फॉस्फेट आयन। Phosphate ion. Now CN minus cyanide ion. Cyanide ion. तो इतना अभी लिखेंगे हम, जितना हमें यूज पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग मैं लिखवाते जाऊंगा। उसके अलावा अगर NO आता है, CO आता है, अमोनिया आता है, ठीक है, और अगर मान लो वाटर आता है तो इनके ऊपर नो चार्ज, नो चार्ज, ये न्यूट्रल होंगे, इनके ऊपर कोई चार्ज कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो जितना हमें अभी यूज फिलहाल पड़ेगा उतना को मैं राइट डाउन करवाया हूं, ठीक है, समय के साथ और भी लिखवाते जाऊंगा। तो ये बेसिक पॉइंट नंबर वन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में ये हमारा यूजफुल आएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें कोई ज्यादा तकलीफ तो है नहीं याद रखने में, सब आसान आसान है, ठीक है। तो ये राइट डाउन कर लो और उसके बाद हम बेसिक पॉइंट नंबर टू पे आते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, और हम कैलकुलेट करते करते आगे चल के मीनिंग और भी समझेंगे समय के साथ, और इसमें डेप्थ चलते जाएंगे। तो नेक्स्ट, ये राइट डाउन किए क्या तुमने, तुमने राइट डाउन किया? मैं शॉर्ट में लिख दिया हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो मैं इसको हटा दूं, किसी का रह नहीं गया है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी आगे, तो बेसिक पॉइंट नंबर टू पे आते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनी एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट है, जो बताएंगे। एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट, जैसे मान लो क्लोरीन है, जैसे ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इससे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, चार्ज जीरो होगा, उसी को एलिमेंटल फॉर्म में बोला जाता है। यानी वो किसी से कंबाइन स्टेट में नहीं है, मतलब किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करके वो नहीं है, वो बिल्कुल अपने प्योर फॉर्म में है। क्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, जब Cl2 के फॉर्म में होगा, H2 के फॉर्म होगा, तब हम उसको एलिमेंटल फॉर्म बोलते। आगे मैं लिखवाऊंगा। अब बेसिक पॉइंट नंबर टू में हमारा पॉइंट ये है, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करें। तो मैं टाइप वन लेके चल रहा हूं, टाइप वन। टाइप वन में हमें मान लो क्वेश्चन में दिया गया कि फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो ध्यान से समझना कैसे निकालेंगे H2SO4। अच्छा, जिसका निकालना होगा या तो अंडरलाइन किया रहेगा या तो वो हमें इंडिकेट करके देगा। हमें H2SO4 में सल्फर पे चार्ज निकालना है कि सल्फर पे चार्ज क्या आएगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का अगर चार्ज पूछा गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए हमें उसको एक्स मान लेंगे। जिस एलिमेंट का अगर निकालना है उस कंपाउंड के अंदर, उस एलिमेंट को हमें एक्स मानना पड़ेगा। आगे चल के ये कंफ्यूजन होता है कि हम प्लस एक्स माने कि माइनस एक्स माने, तो हमारा कहना ये है कि हम जिस एलिमेंट पर चार्ज निकालने चले हैं,
हमें मालूम नहीं है कि उसका प्लस है या माइनस है। आओ, जिस एलिमेंट का अगर हमें चार्ज निकालना है तो हमें नहीं मालूम है कि प्लस एक्स होगा कि माइनस एक्स होगा, तो हम यहां प्लस एक्स मानेंगे। कोई गलती से भी माइनस एक्स नहीं मानेगा। अगर उसको माइनस में आना होगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में आना होगा तो प्लस में आ जाएगा। कोई गलती से भी माइनस एक्स नहीं मानेगा, ठीक है। तो जिस एलिमेंट का हमें निकालना है उसको हम एक्स मान लेंगे। ये सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी दूसरा काम, बाकी एलिमेंट पे हमें चार्ज लिखना होगा। अब यहां हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन पे मैं अभी अभी बेसिक पॉइंट नंबर वन में लिखवाया कि एक हाइड्रोजन पे प्लस वन चार्ज होता है। तो यहां दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन पे प्लस टू चार्ज हो जाएगा। तो हमें यहां पर प्लस टू लिखना होगा, यानी इसका चार्ज को हमें इंडिकेट करना होगा विद साइन। अब यहां हम अच्छा एक चीज और नहीं लिखवाया बेसिक पॉइंट में, ऑक्सीजन वाला बार बार आएगा तुम्हें। ऑक्सीजन पे लिख लेना बेसिक पॉइंट में, ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज होता है, जानते भी होगे। तो बेसिक पॉइंट नंबर वन में लिख लेना ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज होता है। अब यहां ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन है चार, तो हमें यहां चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां चार्ज हो जाएगा माइनस एट। तो यहां साइन के साथ लिखेंगे हम, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, लेकिन एक्स को प्लस लिखेंगे, एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमने लिख दिया, ये लिखने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। फिर से बता दे रहा हूं, जिसका निकालना एक्स मान लेंगे, बाकी सब पे चार्ज लिख देंगे। चार्ज अभी अभी बेसिक पॉइंट में हमने सिखाया। अब यहां पर इन कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज जीरो है तो हम इक्वल टू में जीरो लिख देंगे, इक्वल टू में जीरो लिख देंगे। जीरो इसलिए लिखेंगे क्योंकि इस H2SO4 पे कंप्लीट चार्ज जीरो है, कहीं चार्ज हमें दिख नहीं रहा है। अगर चार्ज दिखेगा तो क्या करेंगे, तो हम आगे टाइप में बात करेंगे। अब यहां से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स, यानी सल्फर पे आ गया प्लस सिक्स चार्ज। दैट मीन्स इन H2SO4 सल्फर हैज प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, मीनिंग ये हुआ कि सल्फर यहां पर प्लस सिक्स का मतलब ये नहीं हुआ कि छह लॉस कर दिया, सल्फर यहां पर छह बॉन्ड बनाया होगा और उसके वजह से प्लस सिक्स चार्ज क्रिएट हुआ होगा। तो ये कोवेलेंट शेयरिंग के वजह से प्लस सिक्स चार्ज क्रिएट हुआ है, कभी लॉस गेन के वजह से भी होता है और कहीं शेयरिंग के वजह से भी होता है। तो ये शेयरिंग के वजह से हुआ है, जब हाइयर आने लग जाए तो समझ लेना है कि शेयरिंग के वजह से हुआ है। ये अंडरस्टूड हुआ? चलो राइट डाउन कीजिए। अगर जिसको अंडरस्टूड हो गया तो टाइप वन में मैंने समझा दिया, अब मुझे इसको लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं, H2CO3 कार्बन का निकालना है, KMnO4 मैंगनीज का निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालेंगे किसके लिए, HNO3 में नाइट्रोजन का निकालना है। तो ये लिखने के बाद अब जल्दी से तीनों का आंसर एक साथ लिख के भेजिए, चाहिए समझ लो। तो इन पहले इसको राइट डाउन कर लो, राइट डाउन करने के बाद जो अंडरलाइन किया गया है उस एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट एक साथ लिख के भेजिएगा, अलग अलग भेजिएगा, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। एक साथ लिख के भेजोगे जिक्सा, एक लिख के भेजियो, सारे एक साथ लिख के भेजो।
हस्ति का सही है जो एक साथ लिख के भेजेगा मैं उसी का चेक करूंगा। सही है शिखर का तो हाँ सही है। चलो मैं बताता हूँ, जिस एलिमेंट का निकालना है जी उस एलिमेंट को एक्स मान लीजिए, मान लिया एक, बाकी पे चार्ज लिख दीजिए, चार्ज प्रणवी अनिकेत बिल्कुल करेक्ट है। जिसका निकालना एक्स मान लीजिए, हाइड्रोजन दो है, दो लिख दीजिए प्लस टू हो जाएगा, बोलो हाँ हो जाएगा। ऑक्सीजन पे माइनस टू है और तीन ऑक्सीजन है, बोलो माइनस सिक्स हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे और यहाँ से हम एक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो प्लस फोर आ जाएगा और यहाँ पर कार्बन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन प्लस फोर में होने का ये है, चार इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन शेयर में है। आदित्य माइनस 31। अब यहाँ पर हम मैंगनीज के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे एक्स है और हम पोटेशियम पे अभी अभी लिखवाया था हमने, पोटेशियम ग्रुप वन से बिलोंग करता है और उस पे प्लस वन चार्ज होता है तो हम प्लस वन लिखेंगे। ऑक्सीजन का माइनस टू होता है और चार ऑक्सीजन है तो चार इंटू माइनस टू एट हो जाएगा, साइन के साथ लिखेंगे, इक्वल टू जीरो लिखेंगे, एक्स कैलकुलेट कर देंगे, प्लस सेवन आ जाएगा, बोलो यस हाँ। यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालना है तो एक्स मान लेंगे, हाइड्रोजन पे प्लस वन होता है और ऑक्सीजन तीन है तो माइनस सिक्स हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बोलो हाँ, एक्स इक्वल टू प्लस फाइव। क्या किसी को किसी के ऑक्सीडेशन में निकालने में किसी को समस्या परेशानी अड़चन आएगा? ओके तो अब हम आते हैं टाइप टू पे, इसको मैं हटा ही दूं, तब तक जो नहीं वो लिखे वो लिख लो उसको। अब आते हैं हम टाइप टू पे, दिस वन इज टाइप वन, नाउ वी स्टार्ट टाइप टू। टाइप टू में हम लिखेंगे कि फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तुम्हें मालूम हुआ K2Cr2O7 को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। महाथी क्या हो गया, इसको सफोर लिख के भेजियो। डाउट है क्या? सल्फर का प्लस सिक्स H2SO4 में, डाउट है? अनिकेत K2Cr2O7। ध्यान देना हमें इसमें निकालना है क्रोमियम का। ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर हमें क्रोमियम का निकालना है तो जिस एलिमेंट का निकालना है उसकी नंबर है दो, तो हम 2x मान लेंगे। इसके टाइप वन में जिसको हम निकाल रहे थे उसकी नंबर था एक, इसलिए हम x मानते थे। अगर नंबर है उसका दो तो 2x मानेंगे, अगर नंबर है थ्री तो हम 3x मानेंगे, अगर फोर है तो हम 4x मानेंगे। जितना नंबर होगा, ओ रटने की जरूरत नहीं है, कौन है प्रणव पाटिल की ऑक्सीडेशन स्टेट MN का प्लस टू होता है, वो रटने की, यहाँ पर इस कंपाउंड में निकालना है। तो जिस कंपाउंड का निकालना है उसका अगर नंबर जितना है उतना हम x मान लेंगे, ठीक है।
अब बाकी हम चार्ज लिखेंगे। अभी अभी तुम लोगों को लिखवाया बेसिक पॉइंट नंबर वन में पोटेशियम पे चार्ज प्लस वन होता है और दो पोटेशियम है तो प्लस टू हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस टू। एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस टू और सात ऑक्सीजन है तो माइनस फोर्टीन, यहाँ माइनस फोर्टीन लिखेंगे। इक्वल टू में जीरो लिखेंगे क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तुम इसको एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से प्लस सिक्स आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्रोमियम प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर है। हम ये नहीं बोल रहे कि क्रोमियम प्लस टू में भी होता है। ए, ये कौन है विश्वजीत? 18 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 8 से ज्यादा होता भी नहीं है, कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 8 से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर क्रोमियम जो है प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हमने 2x क्यों माना? क्योंकि एक पर क्रोमियम पे हमें निकालना है, इसीलिए हमने 2x माना। तो क्रोमियम पे प्लस 6 भी होता है, प्लस 2 भी हो सकता है, प्लस 3 भी हो सकता है, वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। तो टाइप 2 में हमने क्या सीखा कि जिस नंबर में जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है अगर उसकी नंबर 2 है 3 है तो हम उतना x मानेंगे। बातें क्लियर हो गई होगी? जब तुम्हारी बातें क्लियर हो गई तो मुझे 2 का लिख के जल्दी से बताओ कि Al2 SO4 होल थ्राइस में अल्मोनियम का क्या होगा? Fe2 SO4 होल थ्राइस में आयरन का क्या होगा? और बताना है Fe2O3 में आयरन का क्या होगा? जिक्सा का आंसर आ गया, जिक्सा पुल कर लो, सही है। आयरन का बताओ, आयरन का? हाँ सही है। आदित्य तुम्हारा क्या हो गया? ये हस्ती तो ब्लंडर मिस्टेक कर दी, लास्ट वाला केवल सही है, सुहा का लास्ट वाला गलत है। देखो कैसे निकालेंगे, Al2SO4 देखो अल्मोनियम का 2 है तो 2x मान लेंगे, और अभी अभी बेसिक पॉइंट नंबर 1 में लिखवाया था मैंने कि SO4 पे चार्ज माइनस 2 होता है। हमें यहाँ सेपरेट चार्ज नहीं लेना है कि सल्फर पे इतना ऑक्सीजन पे इतना, अगर सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, साइनाइड है, तो उसको एक साथ सगड़े चार्ज लेना है एक साथ। तो एक सल्फेट पे चार्ज माइनस 2 है और सल्फेट है कितना? 3 है, तो हमें इंटू 3 देना पड़ेगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो यहां माइनस 6 होगा, इक्वल टू क्या होगा? 0। तो x क्या आ जाएगा? x आ गया प्लस 3। अल्मोनियम हैज प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिक पॉइंट में जब मैं लिखवाया था सल्फेट और नाइट्रेट, इसी वजह से लिखाया था ना। चलो इसको निकालते हैं, आयरन का निकालना है। आयरन का हम मान लेंगे क्या होगा? 2x माइनस, क्यों माइनस पहले लिख दिया? मुझे मालूम है कि सल्फेट पे क्या चार्ज होगा? माइनस 2। 3 सल्फेट है तो माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू आ गया प्लस 3। आयरन हैज प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe2O3 आयरन का 2x और ऑक्सीजन पे जानते हैं कि माइनस 2 होता है
तो तीन ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू आ गया प्लस थ्री। कोई प्रॉब्लम? राइट डाउन करो, राइट डाउन करो। टाइप थ्री बता के जाऊंगा जल्दी से। और एक तुम्हें डीपीपी मिलेगा, उस डीपीपी को सेपरेट नोटबुक पे करना। समझ लो, लिख लिए टाइप थ्री। टाइप थ्री टाइप थ्री में हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। अभी तक हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे उसमें आयन्स नहीं था, यानी उसके ऊपर चार्ज नहीं था, आयन्स निकालना है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं SO4 माइनस टू में सल्फर का निकालना है। ये SO4 माइनस टू जो चार्ज है, इस सबके ऊपर चार्ज है माइनस टू। हमें चार्ज चाहिए सल्फर के ऊपर सेपरेट। अकेला सल्फर पे कितना चार्ज होल्ड हो रहा है, पूरे कंपाउंड पे नहीं चाहिए मुझे। पूरे कंपाउंड पे तो माइनस टू है, मुझे सल्फर पे चाहिए। तो निकाल लो सल्फर का, मान लो एक। अभी तुम इसके भूल जाओ, हालांकि जल्दी तुम भूलते नहीं हो, लेकिन कुछ देर के लिए जो चार्ज लगा है उसको भूल जाओ। तुम्हें ऑक्सीजन को याद करो, याद कर रहे हो? ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस टू होता है, चार ऑक्सीजन माइनस एट हो जाएगा। आप लिखोगे माइनस एट, साइन के साथ लिखना है। अब जिसको तुम भूल गए उसको याद करो। अब इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है माइनस टू, तो आप इक्वल टू में अब जीरो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप इक्वल टू में माइनस टू लिखेंगे, यानी जो कंपाउंड पर चार्ज लगा होगा वो चार्ज तुम इक्वल टू में लिखोगे साइन के साथ। माइनस है तो माइनस लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखोगे, और नहीं है तो जीरो लिखेंगे। जैसे अभी हम टाइप वन और टाइप टू में जीरो लिखते आ रहे थे, लेकिन ये एनायन है तो हमें यहाँ पर चार्ज लिखना पड़ेगा। अभी ये इधर जाएगा तो एक्स क्या आ जाएगा, प्लस सिक्स, यानी सल्फर है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ वी हैव टू टेक नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमसे बोल दिया Cr2O7 माइनस टू में क्रोमियम का निकालो, तो यहां पर हम लिखेंगे 2x, क्योंकि दो क्रोमियम है। अब इसको भूल जाओ, ऑक्सीजन कितना है माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा सेवन माइनस फोर्टीन। अब इसको याद कर लो, इक्वल टू में माइनस टू लिखना है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जीरो है। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा, यानी क्रोमियम पे चार्ज प्लस सिक्स होगा। बोलो यस। अगर हमें निकालना है अमोनियम आयन पे एन एच फोर प्लस पे नाइट्रोजन का निकालना है, एक्स मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हाइड्रोजन पे प्लस वन होता है, चार हाइड्रोजन है तो प्लस फोर हो जाएगा इक्वल टू। अब इक्वल टू में जीरो नहीं लिखेंगे, प्लस वन लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर चार्ज प्लस वन है। ये इधर जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा। बोलो यस। यानी हियर नाइट्रोजन है जो माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक हमने HNO3 में निकाला था उसमें नाइट्रोजन प्लस फाइव में आ रहा था, यानी नाइट्रोजन कभी माइनस थ्री में है कभी प्लस फाइव में है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पहले विचार करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन किस स्टेट में आ रहा है।
क्या आपको ये बातें समझ में आई? टाइप थ्री क्या करना है? डू अंडरस्टैंड टाइप थ्री? ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? ये सब सीख लोगे तो तुम्हें जब जाओगे इलेवेंथ में, ये सब तुम्हें चीजें वहां पर तुम गर्दम उड़ा दोगे, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें पहले से आ जाएगा, तो वहां पर तुम्हें एक्स्ट्रा तुम्हें एक्टिविटी करने को, एक्सरसाइज वगैरह करने को मिलेगा, क्योंकि तुम ये सब चीजें पहले से जानते हो, तुम्हें रिजल्ट के करीब चलते जाओगे, क्योंकि जो चीजें अभी सिखाया जाता है बच्चों को एक दो महीना इलेवेंथ में, वो ऑलरेडी तुम सीख चुके होगे, तो वहां पर तुम्हें हाई लेवल मिलेगा, यानी रिजल्ट के तुम्हें दिखने लगेगा, हाँ अब रिजल्ट के करीब आ गए हम। चलो ये टाइप थ्री बता दिया, टाइप फोर और टाइप फाइव कल बताएंगे, ठीक है? और आपको एक डीपीपी जाएगा,